नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे बिहार CHO 4050 भर्ती जिसकी लिस्ट आई है। दोस्तों जिसका लिस्ट में नाम है, अब उनको क्या करना है, इसके बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या वेटिंग आएगी? क्योंकि दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा खड़ा हो रहा है कि क्या वेटिंग आएगी क्या। और दोस्तों नीचे जो एक सवाल है, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा। तो दोस्तों सारी मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों बिहार CHO 4050 भर्ती सत्य एवं सटीक खबर डट के नर्सिंग ब्लॉग के साथ। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको कुछ पुराने वीडियोस की झलकियाँ दिखाएंगे। जो 10 दिन पहले वीडियोस बनाया गया था उसमें हमने बताया था कि ज्वाइनिंग आपकी इसी महीने आ जाएगी। दोस्तों प्रूफ के साथ आपको हम बताएंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ एक्सपेक्टेड थिंकिंग जो हम लोग बताते हैं वो बिल्कुल सही होती है। इसीलिए दोस्तों विश्वास का दूसरा नाम नर्सिंग ग्लोब है। दोस्तों 1 लाख जरूर बनता है तमाम उन कैंडिडेट्स को जिन लोगों का सिलेक्शन बिहार CHO 4050 वैकेंसी में हुआ है, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से नर्सिंग ग्लोब परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप हमसे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं 9636666155, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे मैं व्हाट्सअप का ग्रुप का एक लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आप लिंक से शेयर हो सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं और उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। वो ग्रुप है 4050 वैकेंसी के अंदर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ क्लिप्स जो मैंने आपके लिए बनाई है। तो दोस्तों इस मुताबिक अगर देखा जाए तो कट ऑफ आप लोगों की बहुत कम रहने वाली है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वो जनरल की कट ऑफ 65 से लेके 70 के बीच भी रहने वाली है। 65 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, 65 या 65 से ऊपर ही वैकेंसी की कट ऑफ आने वाली है। हमेशा से आप लोगों को बोलता आया हूं कि दोस्तों ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। दोस्तों एक कंडीशन के अंदर हो सकता है कि मेरिट हाई चली जाए, क्योंकि दोस्तों डर इस बात का है क्योंकि बिहार ने आज जितनी भी वैकेंसी निकाली है, चाहे वो एएनएम की हो चाहे वो सीएचओ की हो, कोई वैकेंसी हो उसके अंदर पूरी वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 4050 वैकेंसी लोगों ने निकाली है तो पूरी वैकेंसी को ये क्लियर नहीं करते हैं। दोस्तों बिहार CHO 4050 भर्ती ज्वाइनिंग मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी अपडेट हमारे पास रिसेंट अपडेट जो है वो कल ही आई है। दोस्तों रिसेंट अपडेट ये है कि दोस्तों बिहार CHO 4050 भर्ती की ज्वाइनिंग इसी महीने 99% होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताने वाला हूं कि जो जिसका लिस्ट में नाम है अब उनको क्या करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले मैं ये बता दूं क्या इसकी वेटिंग आएगी क्या। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया है कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिया है कि क्या वेटिंग आएगी क्या। तो बिल्कुल दोस्तों वेटिंग नहीं आएगी, वेटिंग नहीं आएगी, कोई और लिस्ट नहीं आएगी, यही फाइनल लिस्ट है। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बात एकदम पुख्ता बात है। दोस्तों मेरे द्वारा जो भी न्यूज़ दी जाती है वो बिल्कुल पुख्ता होती है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जल्दी ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसकी बैकलॉग की वैकेंसी और 2500 लमसम वैकेंसी और दिखेगी। तो हो सकता है दोस्तों 3 से 3500 वैकेंसी भी CHO की और आपको देखने को मिले मार्च से पहले। दोस्तों वैकेंसी ज़रूर आएगी लेकिन इसके अंदर कोई वेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी या फिर और कोई लिस्ट आपके पास कोई नहीं लिस्ट मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें जिसका लिस्ट में नाम है अब उनको क्या करना है। दोस्तों उन लोगों को कुछ नहीं करना है, अब ये फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। ये फाइनल लिस्ट भी दोस्तों विद इन वन मंथ फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। उस फाइनल लिस्ट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को अलॉट हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको आ जाएगा कि उस आपको ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जाके वहाँ योगदान देना है। 15 डेज़ का ये लोग आप लोगों को टाइम देंगे, 15 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पर योगदान देना है। और योगदान देने के बाद जैसे ही आपको वहाँ पर योगदान दे देंगे तो 15 दिन का टाइम वो लोग आपको देते हैं। देने के बाद आप लोगों को सब सेंटर अलॉटमेंट किया जाता है। सब सेंटर पर आपको जाना है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन सा ब्लॉक मिलता है, सारी सैलरी वगैरह आपको ब्लॉक से मिलेगी। कितनी सैलरी है मैंने वीडियोस के अंदर आपको बता दिया है। दोस्तों वेतन के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बता दिया था, आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके पास में हर एक नर्सिंग की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं फाइनल ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, 1 महीने का टाइम अभी लग सकता है। दोस्तों मैक्सिमम 1 महीने का टाइम लग सकता है आपको सब सेंटर अलॉट होने में, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपका इस फाइनल लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब आप लोगों को सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देनी है, फाइनल लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। वेटिंग की आपको मैंने बता दिया है, वेटिंग कुछ नहीं आएगी। दोस्तों इसके अलावा कोई दूसरी लिस्ट भी जारी नहीं होगी, ये भर्ती की प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है।
और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सअप टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सभी की लिंक प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।